नमस्कार, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं एशिया न्यूज इंडिया में। बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को पकड़ा, हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के पास से 2 पिस्तौल की 2 मैगजीन और 11 कारतूस भी बरामद हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, बारामूला जिले से पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में विशेष सूचना के आधार पर हादीपोरा राफियाबाद में सुरक्षा बलों की ओर से एक संयुक्त चौकी स्थापित की गई थी। उन्होंने कहा, जांच के दौरान संयुक्त दलों ने लोरिहामा लिंक रोड से हादीपोरा की ओर जा रहे 2 संदिग्ध व्यक्ति को रोका, जिन्होंने संयुक्त नाका दल को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। श्रीनगर के रंगरेत के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादियों की पहचान तारिक अहमद वानी और इस्पाक अहमद वानी के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के रंगरेत के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दहशतगर्दों से पूछताछ की जा रही है, इससे मिले जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बारामूला में मुठभेड़ में लश्कर के एक आतंकवादी मारा गया। वहीं बारामूला जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी की पहचान इरशाद अहमद के रूप में हुई है, जो बारामूला के पटन का रहने वाला था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के बिनेर क्षेत्र में आतंकवादियों का मौजूद होने की सूचना के आधार पर शनिवार शाम को इलाके की घेराबंदी की गई थी, तलाश अभियान चलाया गया था। बाकी खबरों के लिए बने रहें एशिया न्यूज इंडिया। धन्यवाद।